हेलो फ्रेंड्स मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ सो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सस्पेंशन ऑफ दिस बिलीफ और विलिंग सस्पेंशन ऑफ दिस बिलीफ दिस टर्म वाज कॉइंड बाय वन ऑफ द इंग्लिश पोएट लिटरेरी क्रिटिक एंड फिलोसफर सेम्यूल टेलर कॉलरिज इन हिज लिटरेरी वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया तो इस टर्म को सेम्यूल टेलर कॉलरिज ने अपने एक क्रिटिकल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में इंट्रोड्यूस किया है इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप जरूर से उसे चेक करना तो अब समझते हैं ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ या विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आखिर है क्या इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जैसे कि हम कई सारे मूवीज देखते हैं सीरियल्स देखते हैं उसमें कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिसे हमारा दिमाग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता उसे हम बोलते हैं कि इतना इलॉजिकल है फिर भी हम उसे देखते हैं उसे देख कर रिएक्ट करते हैं खुश होते हैं हंसते हैं कभी दुखी हो जाते हैं कभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं ये जानते हुए कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो इसी को कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो हमारे अंदर डिसबिलीफ है उसको सस्पेंड करना ज़्यादातर रजनीकांत की जो मूवी होती है उसे जब हम देखते हैं तो हम अपने दिमाग को साइड में रख कर देखते हैं क्योंकि इस टाइप की मूवी को अगर हम लॉजिक के साथ दिमाग के साथ देखने लगेंगे तो हम कभी उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे तो ऐसे बहुत सारे सीन्स मूवीज में आते हैं सीरियल्स में आते हैं जिसका रियल लाइफ में उसका कोई रेलिवेंस नहीं रहता फिर भी हम उसे देखते हैं और इंजॉय करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर फिक्शनल वर्क में पाया जाता है फिक्शनल मतलब काल्पनिक जैसे कोई हॉरर मूवी हो या फिर एक्शन मूवी कॉमेडी या फिर कोई फैंटेसी तो ऐसे वर्क को जब हम देखते हैं पढ़ते हैं तो विलिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अपने आप आ जाता है तो फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करना था आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाय